हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव फ्रॉम आरपीएम रोड्स पीपल एंड मोटरसाइकिल्स। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, सिर्फ 3 मिनट में जानिए कि आपको हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। नंबर वन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इट इज़ एन एंट्री पॉइंट टू अदर हार्ले कम्युनिटी। गाइज, हार्ले के इवेंट्स होते हैं पैन इंडिया, एंड अगर आपको एंट्री चाहिए टू द सुपर बाइक्स कम्युनिटी, येस, दिस इज़ द बेस्ट बाइक टू जॉइन द हार्ले कम्युनिटी। नंबर वन। द सेकेंड इज, इट इज़ वेरी इजी टू मैन्यूवर इन द सिटी। गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बाइक को मैं ऑफिस भी लेके जाता हूँ एवरी डे, एंड सेकेंडली मैंने इस बाइक पे कश्मीर से कन्याकुमारी भी किया है। सो वंडरफुल बाइक फॉर बोथ सिटी एंड हाईवेज। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, इसकी जो एवरेज है, इस बाइक का जो पेट्रोल टैंक है दैट इज़ ऑफ 13 लीटर्स। तो मैं एक फुल टैंक में 200 से 250 किलोमीटर आप इजीली चल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इस बाइक के अंदर, क्योंकि ये बेल्ट ड्रिवन है, देर इज़ नो वाइब्रेशन, बहुत ही लेस वाइब्रेशन है या बिल्कुल नो वाइब्रेशन है। सो इसकी जो, उस कारण जो बेल्ट की मेंटेनेंस है वो इतनी नहीं होती है। क्रॉस 30,000 किलोमीटर्स ऑन दिस बाइक और अभी तक कुछ बेल्ट का मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सो फिफ्थ पॉइंट गाइस, फिफ्थ पॉइंट ये है क्योंकि इट इज़ अ 750cc बाइक, इसकी जो टॉप स्पीड है, आई डू नॉट रेकमेंड कि आप इस स्पीड पे जाएं, बट इट इज़ 180। ये बाइक इजीली 180 टच करती है। सिक्स्थ पॉइंट, इसकी जो पिलियन सीट है गाइस, वो बहुत ज़्यादा है। बाकी की बाइक्स में आप देखोगे पिलियन राइडर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती है उसके बैठने के लिए। सिटी के लिए फॉर द पिलियन इट इज़ ओके वाइज, बट हाँ, हाईवे पे आप किसी पिलियन को नहीं बिठा सकते इन बाइक्स पे, सिंगल सीटर बाइक है, बट हाँ, सिटी के लिए इट इज़ गुड फॉर पिलियन। सो राइडर्स, एज एवरी कॉइन हैज़ यू नो अपोजिट साइड्स, तो जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव बताया, क्यों ना मैं लेके चलता हूँ आपको नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले इसकी जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंजन इतना पावरफुल है, ब्रेक्स मैं कहूँगा कि अगर मैं रेटिंग दूँ 10 में से तो आई विल गिव 5, क्योंकि हाई स्पीड पे ये बाइक नहीं रुकती है। सेकंड, इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये हीट अप बहुत हो जाती है। आप सिटी राइड कर रहे हैं, इसको स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो ये जो बाइक है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है। थर्ड, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, मैंने एक बाइक ली है तो मुझे लगता है उसकी इतनी ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए कि इट शुड गो पैन इंडिया, बट आई नीड टू थिंक इफ़ आई एम गोइंग टू लेह लद्दाख, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उतनी अच्छी नहीं है। Now the next point is, it is not at all suitable for tall riders. 5'10" अगर आपकी हाइट है या उससे ज़्यादा है, ये बाइक आपके लिए नहीं है, because it is mainly for जो 5'10" से नीचे riders हैं। So अगला नेगेटिव पॉइंट इस बाइक का ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, एंड इसकी जो एक्सेसरीज़ भी हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं बात करूँ इसके साइलेंसर की, दिस इज़ ये जो कंपनी ने दी है, प्रोवाइड की है, अगर मेरे को वैंस एंड हाइंस या कोई भी लगवाना है, दैट इज़ कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 32,000। जो अगर मैं बात करूँ लेग गार्ड की, लेग गार्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप एक नई बाइक लेते हो, अगर इस लेग गार्ड को भी लगवाना है, इट कॉस्ट यू 16,000। इसकी बैटरी अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो इस बैटरी को चेंज कराने में 10,000 रुपीज़ है। और अगर मैं बात करूं कि पिछला टायर, बिकॉज 30,000 हो चुके हैं, इसको तीसरी बार मैंने चेंज करा है, पिछले वाले टायर की कॉस्ट जो कंपनी वाले क्लेम करते हैं दैट इज़ 13,000, जो कि आपको बाहर 3,000 में पड़ जाती है। तो सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूल गॉज इज़ मिसिंग इन दिस बाइक। आप जब लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल कब खत्म होने वाला है, तो इट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज फॉर दिस बाइक। सो राइडर्स, जैसे कि आपको मैंने बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डू आस्क मी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो, बिकॉज दिस बाइक इज़ डिसकंटिन्यूड इन इंडिया। आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कीजिए, आई विल गेट बैक टू यू। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड हाँ गाइस, लेट्स गो रेस।